बड़ी खबर, भिलाई से युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। मुआवजे की मांग पर यह जाम लगाया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कल रात आरोपियों ने मृतक से मारपीट की थी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। तसव्वर खान, प्रतीक मराठी, बल्लू बिहारी, फैजल खान इस मामले में गिरफ्तार किए गए। हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ में जुड़ी हुई है भिलाई से। कोमल, बताएं जो स्थिति हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोई हल मिल पाया उसका? जी बिल्कुल, अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। समझाइश के बाद, पुलिस की समझाइश के बाद करीब 18 मिनट के बाद नेशनल हाईवे का जाम खोला गया है और परिजन और सिख समाज के लोग और कई भाजपा नेता सब फिर से कुर्सीपार थाने के गेट पर डटे हुए हैं। लगातार मुआवजे की मांग को लेकर के अभी सब कर रहे हैं, क्योंकि मुआवजे की मांग पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। चूंकि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, करीब 4 आरोपी गिरफ्तार करने की बात एडिशनल एसपी ने कही थी, लेकिन अभी 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 फिर पता चला कि एक आरोपी और गिरफ्तार किया गया। करीब 5 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार और इस मामले में करीब 7 से 8 लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है। फिलहाल जो है मृतक का शव जो रायपुर में है और वहां पर अस्पताल प्रबंधन ने जो 93,000 रुपए का बिल बनाया था, उस बिल की माफी की भी बात की जा रही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार अस्पताल प्रबंधन से बात कर रहे हैं कि बिल माफी हो जाए, लेकिन जो मुआवजे की मांग है, क्योंकि मृतक घर का कमाने वाला लड़का था, पति की पत्नी है, 2 बच्चे हैं, तो परिवार का अब खर्च कैसे चलेगा, तो पत्नी को नौकरी देने के मांग पर और कुछ मुआवजे की रकम को लेकर के अभी लोग यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं। आप नजर रखिए, वापस आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया कोमल आपका इस जानकारी के लिए। कोमल धनेश्वर हमारी सहयोगी बता रही थी कि एक कमाने वाला व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, उसके परिवार के लिए नौकरी और मुआवजा मांगा जा रहा है।